हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रुजीन। आइए शुरू करते हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी साहित्य में पत्र एवं पत्रिकाएं एवं उनके संपादक। दोस्तों, आप जानते हैं पत्र पत्रिकाओं से भी एक दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो इन्हीं को कवर करना है। मैंने इसमें सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं और पत्रों को शामिल किया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं सबसे पहले नंबर पे लिखा है मैंने पत्र पत्रिकाएं, फिर संपादक, फिर वर्ष और स्थान। क्योंकि कभी कभी ये भी पूछता है कि ये पत्रिका का जो है संपादन कहाँ से किया गया, तो सबसे पहले नंबर पे बंगाल गजट ये पत्र है। ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है। दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो वह है बंगाल गजट, और संपादक है जेम्स अगस्टस हिक्की। इसके संपादक हैं। 1780 में कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। दोस्तों, ये जो है साप्ताहिक पत्र था, और ये इंग्लिश में था, अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन भारत का प्रथम समाचार पत्र है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछेगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, तो हिंदी भाषा का, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। जी हाँ, उदंत मार्तंड है, और ये पंडित जुगल किशोर शुक्ल या पंडित जुगल कुशल शास्त्री ने इसका संपादन किया है, और ये 30 मई 1826 को कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ है। 30 मई 1826 को, दोस्तों 30 मई को इसी के उपलक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। 30 मई को क्यों? क्योंकि 30 मई 1826 को हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो है वो प्रकाशित हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, और भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, ये इंग्लिश में था, ये हिंदी में था, ये भी साप्ताहिक था, ये भी साप्ताहिक था, ये आपको याद रखना है। अगला है समाचार सुधा वर्षण। ये प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है, रेगुलर जो दैनिक जानते हैं डेली प्रकाशित होने वाला, तो समाचार सुधा वर्षण प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है। ये श्याम सुंदर सेन इसके संपादक हैं, और कब संपादन किया? 1854 में कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ है। प्रजाहितैषी एक पत्रिका है, इसके जो है संपादक राजा लक्ष्मण सिंह हैं, और ये 1855 में और आगरा से इसका प्रकाशन हुआ है। तत्वबोधनी पत्रिका, दोस्तों सभानी तत्वबोधनी पत्रिका, गुलाब शंकर इसके संपादक हैं। 1865 में बरेली से इसका संपादन हुआ है। कवि वचन सुधा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। 1867 में काशी से इसका प्रकाशन हुआ है, और हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र पत्रिका भी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और ये 1873 और बनारस से इसका प्रकाशन कर रहे हैं। फिर अगली है बाला बोधनी भी हरिश्चंद्र की है, और ये केवल महिलाओं के लिए थी, बाला बोधनी महिलाओं के लिए है। 1874 में बनारस से इसका प्रकाशन हुआ है। दोस्तों, तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद मैगजीन और बाला बोधनी तीनों किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, जिसमें से बाला बोधनी केवल महिलाओं के लिए था। हिंदी प्रदीप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हिंदी प्रदीप के संपादक बाल कृष्ण भट्ट हैं, और ये कब से संपादित हुई? 1877 में इलाहाबाद से। फिर भारत मित्र पत्रिका, दोस्तों भारत मित्र पत्रिका के संपादक बाल मुकुंद गुप्त है, और कब इसका संपादन हुआ? 1877 में। तो भारत मित्र बहुत महत्वपूर्ण है, भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक हैं, ये आपको याद रखना है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र 1880 कानपुर से इसका हुआ है। आनंद कादम्बिनी, ये भी इम्पोर्टेंट, आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक हैं, और मिर्ज़ापुर यूपी मिर्ज़ापुर से इसका संपादन प्रकाशन हुआ है 1881 में, तो याद रखिएगा। भारतेंदु एक पत्रिका है, इसके प्रकाशक राधा, संपादक राधा चरण गोस्वामी है। दोस्तों, तो भारतेंदु मैगजीन अलग है, ये भारतेंदु पत्रिका या भारतेंदु नाम से एक अलग पत्रिका थी। राधा चरण गोस्वामी ने 1883 में वृंदावन से इसका प्रकाशन किया। द्वंद्व पत्रिका है, ये अंबिका दत्त व्यास की है, और ये 1883 में लाहौर से प्रकाशन हुआ है। भारतोदय सीता राम शर्मा 1885 कानपुर से संपादन हुआ इसका।
सरस्वती, सबसे इम्पोर्टेंट सरस्वती पत्रिका का जो है संपादन की शुरुआत श्याम सुंदर दास ने 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से किया है और 1903 से 1920 तक लगातार इतने समय तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे हैं। तो सामान्य रूप से जब कभी ये पूछता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को मुख्यतया दिया जाता है और संपादक की शुरुआत संपादन की श्याम सुंदर दास और इनके चार मित्रों ने किया था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। अभ्युदय जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है, मदन मोहन मालवीय, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय की ये है और ये 1907 में प्रयाग से इसका प्रकाशन किया है। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्ता की है और ये भी 1909 में वाराणसी से प्रकाशित हुई। कर्मवीर पत्रिका भी इंपॉर्टेंट है, माखन लाल चतुर्वेदी की है और ये 1920 में जबलपुर से इसका प्रकाशन हुआ है। हिंदी नवजीवन काफ़ी इंपॉर्टेंट, हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी की पत्रिका है, 1921 में अहमदाबाद गुजरात से इसका प्रकाशन हुआ है, हिंदी नवजीवन का याद रखिएगा। माधुरी पत्रिका आपने पढ़ा होगा, माधुरी पत्रिका भाई ये प्रेमचंद जी की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ है 1922 में। हंस पत्रिका भी प्रेमचंद की है, हंस और माधुरी याद रखिएगा दोनों प्रेमचंद की है और हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस 1930 में किया गया। ज्ञानोदय पत्रिका भी याद रखिए, ज्ञानोदय कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, ज्ञानोदय कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, 1955 में प्रकाशन हुआ है कलकत्ता से। भारत पत्रिका जो है ये नंद दुलारे वाजपेयी की है, यानी संपादक है नंद दुलारे वाजपेयी, 1933 इलाहाबाद से इसका भी संपादन हुआ है। पाखी एक अभी नई पत्रिका है कह सकते हैं, अभी जल्दी की है, 2008 से इसका प्रकाशन हो रहा है अपूर्व जोशी के द्वारा और नोएडा यूपी से इसका प्रकाशन हो रहा है। दोस्तों ये 25 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और इनमें से कुछ पत्र थे जो मैंने आपको बताए, अगर इतना ही तैयार कर लेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए ये काफ़ी हैं और ये आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो इनको अच्छे से देखिए 2-3 बार और तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों इसी तरह से और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, लेखक और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में मैं और आपको आगे बताऊंगा, रीतिकालीन कवि, आदिकालीन कवि और प्रसाद युग, द्विवेदी युग, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा मैं करूंगा, एग्जाम से पहले रटाऊंगा तो उसको आप अगले वीडियो में पाएंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए, रिविज़न करते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।